जम्मू कश्मीर के शोपिया से अगवा किए गए पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या कर दी। जावेद अहमद डार दवा की दुकान पर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया। डार की हत्या करके आतंकियों ने लाश को कुलगांव में फेंक दिया। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि इसी इलाके से करीब 3 हफ्ते पहले भारतीय सेना के जवान औरंगजेब को अगवा किया गया था, बाद में आतंकियों ने उसकी भी हत्या कर दी। शहीद कांस्टेबल जावेद अहमद डार को शोपिया में श्रद्धांजलि दी गई। वही जावेद अहमद डार की शहादत के बाद घर में मातम पसरा। 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से परिवार बिलख रहा है, उसके परिजन रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब पार्थिव शरीर डार का पहुंचा उसके घर पर, तो उसके घर वालों की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। अब यानी आतंकी किस तरह से वहां के जो लोकल, जम्मू कश्मीर के जो लोकल रहने वाले हैं, जो वहां के जवान हैं, उनको भी लगातार टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले आर्मी जवान औरंगजेब की हत्या की गई और उसी तरह से अगवा करके अब डार की हत्या कर दी गई है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पार्थिव शरीर पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार का ले जाया जा रहा है, वहीं उसके परिवार वाले किस तरह से रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घिनौना चेहरा आतंकियों की करतूत का सामने आया। क्या हुआ ये हम आपको बता देते हैं। कांस्टेबल जावेद डार का कुलगांव में शव मिला। शोपिया से अगवा किया गया था कांस्टेबल डार को, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव उसका कुलगांव में मिला। कांस्टेबल डार मेडिसिन की दुकान पर दवा लेने गए थे, जब उनको घर के बाहर से अगवा किया गया। अपहरण के लिए सेंट्रो कार में आए थे आतंकी, जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि सेंट्रो कार में सवार होकर आतंकी अगवा करने आए थे, फिर घर के बाहर से कांस्टेबल डार को अगवा किया। शोपिया में घर है कांस्टेबल डार का। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या है इस पूरे मामले में कुछ अपडेट? क्या जो आतंकी थे उनकी कोई पहचान हुई अभी तक? देखिए, अभी तक इस चीज की पहचान नहीं हो पाई है, मगर आतंकियों की धरपकड़ या उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जो है वो दोस्त तेज किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अहम जो है वो कदम उठाने जा रही है। आने वाले कुछ समय में ये जो हमारी सूत्रों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक आने वाले कुछ समय में जो है इस पे जल्द कार्रवाई होगी और जो जावेद अहमद डार के कातिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बताऊं, एक सेंट्रो कार में जो है 4 आतंकी हथियारबंद आतंकी कल देर शाम पहुंचे और उसके बाद जावेद अहमद डार जो घर से शायद दवाई लेने के लिए निकला था उसे वहां से अगवा किया। इसकी जानकारी जो दुकानदार है और स्थानीय लोग हैं जिनके सामने ये अपहरण हुआ, उन्होंने पहले घर वालों और उसके बाद जो है ये सुरक्षा बलों तक जानकारी पहुंची। तुरंत बाद इस पूरी जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कि जावेद अहमद डार को जो है बचाया जा सके, मगर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पहले। लेकिन अजय, जिस तरह से घटना लगातार हो रही है, अजय कांस्टेबल डार वहीं के रहने वाले हैं, औरंगजेब वहीं का रहने वाला था और कुछ समय पहले पामपुर में भी एक पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था जिसमें तनवीर अहमद की हत्या कर दी गई थी हमला करके आतंकियों ने, तो लगातार अब वहां के स्थानीय जो जवान है जो वहां पर काम कर रहे हैं पुलिस फोर्स में आर्मी में, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये किस तरह की रणनीति है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हालात हैं वो यही है क्योंकि ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन में कई आतंकियों को मार गिराया गया। ऐसे में जो सुरक्षा बल हैं उनको निशाना बनाने की जो है कोशिशें अब जो है आतंकियों द्वारा की जाती है और इसीलिए वो इस तरह की अपनी कोशिशें अपनाते हैं, जिसमें जैसे औरंगजेब की बात की जाए जो ईद की मौके पर छुट्टी जा रहा था उसको निशाना बनाया गया, उसी तरीके से जो है कल जावेद अहमद डार को अगवा किया गया, इसके पहले उमर कयाल से किया गया था। तो ये एक कोशिश जो है वो नई की कोशिशें शुरू की हैं आतंकियों ने, ताकि जिसमें उनको खुद ज्यादा नुकसान ना हो, मगर कहीं भी अगर सुरक्षा बलों का कोई जवान या कोई भी ऐसा जो सुरक्षा बलों के मदद करता हो वो दिखे उसको अगवा करके उसको निशाना बनाया जाए, और यही प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बौखलाहट है आतंकियों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जांडियाल इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से आतंकियों का खात्मा घाटी में बहुत तेजी से किया जा रहा है उससे आतंकी हताश हैं और अब जो जवान है वहां के स्थानीय रहने वाले हैं उन पर ही अटैक किया जा रहा है इस हताशा भरी कार्रवाई में। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
कि जो जिन जिन जवानों की हत्या आतंकियों ने की है कायराना करतूत के थ्रू, वो आप देख सकते हैं 14 जून 2018 को औरंगजेब जो आर्मी में जवान था उसकी हत्या की गई, 22 मई 2017 को अयूब पंडित की हत्या की गई, जावेद अहमद डार जो आप बिल्कुल बीचों बीच में देख पा रहे हैं वो आज 6 जुलाई 2018 को उसका शव मिला, उसे अगवा किया गया था। वहीं 10 मई 2017 को उमर फैयाज आर्मी का जवान, उसको आप देख सकते हैं उसकी भी हत्या की गई। 16 जून 2017 को फिरोज अहमद डार की हत्या की गई।